ये इंडिया का फर्स्ट ब्रांड है जो स्वैपिंग नेटवर्क में आया है। बैटरी चार्ज करने का टेंशन खत्म। ये इंडिया का सबसे पहला ब्रांड है जो आपको विद इन 1 मिनट में फुल बैटरी देती है। 0 to 80% जो है वो 40 मिनट्स में चार्ज होगा और जो फुल चार्ज है वो 60 मिनट में चार्ज होगा। इसमें बैटरी में आपको GPS लगा हुआ है तो बैटरी आपका कोई चोरी नहीं कर सकता। अगर कोई चोरी कर लेता है तो वो आप तुरंत उसको कैच कर सकते हो। इसमें हम लोग डुअल बैटरी सिस्टम भी है, काफी स्ट्रांग चार्जर है। अदर ब्रांड्स में बस ओला और एथर यूज करते हैं। काफी स्टाइलिश पिलियन फुटरेस्ट दिया हुआ, आप इसको जैसे ही प्रेस करते हो ये ऑटोमेटिक निकल जाएगा। एंड देन इसको आप हल्का सा प्रेस करोगे ये जाकर वहां पे ऐड हो जाएगा। तो ये 99,999 एक शोरूम में ये अवेलेबल है। मिनिमम डाउन पेमेंट आपका 20,000 रुपीज है। 20,000 देकर आप स्कूटर ले जा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इंजन ज्ञान में, कम समय में ज्यादा जानकारी। आपका भाई एक और धमाकेदार वीडियो लेकर आ चुका है। धमाकेदार वीडियो इसलिए क्योंकि अभी मैं हूँ बाउंस इन्फिनिटी इलेक्ट्रिक स्कूटर के शोरूम में, जिसका आज ओपनिंग हुआ है। और आज मैं आपको कम से कम डाउन पेमेंट में इलेक्ट्रिक स्कूटर दिलाने वाला हूँ। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सर, इससे पहले जब हम मिले थे तो बैलिंग इंडिया का जो स्कूटर था, आप इलेक्ट्रिक स्कूटर जो लेके आए थे, उसके बारे में आपने बहुत अच्छे से बताया था। लेकिन अभी देख रहा हूँ कि आपने नया शोरूम खोला है, नई जगह पे खोला है। स्कूटर के बारे में बताइए कि ये कौन सा ब्रांड है, कहाँ का है, आपने कहाँ पे शोरूम ओपन किया है, वो सब कुछ जो कस्टमर जानना चाहता है। देखिए, ये बाउंस इन्फिनिटी ब्रांड नेम है। हाँ? और ये बैंगलोर बेस्ड ब्रांड है। ये इंडिया का फर्स्ट ब्रांड है जो स्वैपिंग नेटवर्क में आया है। स्वैपिंग इंफ्रा इनका मेट्रोपॉलिटन सिटी में लगा हुआ है। जैसे नॉर्मली आप देखते हो कि इलेक्ट्रिक स्कूटर को बैटरी चार्ज करके चलाना पड़ता है, तो चार्जिंग टाइम जो है एक जनरल टाइम है वो 4 to 5 hours का है। तो वो एक बहुत बड़ा लैग है इलेक्ट्रिक स्कूटर में। लोग 4 to 5 hours वेट करते हैं कि इलेक्ट्रिक स्कूटर मेरा चार्ज हो जाए, देन हम लोग उसको यूज कर सकते हैं। बट बाउंस जो है वो इंडिया का फर्स्ट ऐसी कंपनी है जो स्वैपिंग नेटवर्क के साथ आती है। स्वैपिंग नेटवर्क में आपको समझा देता हूँ, बैटरी जो है आप स्वैप कर सकते हो। जैसे हम लोग गैस खत्म हो जाता है सिलेंडर में तो रिफिल करते हैं, हम लोग रिफिल करते हैं। सेम इसका भी कॉन्सेप्ट है कि बैटरी एज अ सर्विस आपको मिलेगा। उसमें क्या है कि बैटरी जो है वो कंपनी के अंडर में रहता है, आपको विदाउट बैटरी जो है स्कूटर बिलिंग हो जाएगा। आप स्वैपिंग नेटवर्क पे जाओगे, एक कार्ड मिलता है, वो स्कैन करोगे, आपका वहां रीड कर लेगा चेचिस नंबर, देन आप जो है बैटरी वहां से स्वैप कर सकते हो। आप अपना खाली बैटरी, ड्रेन आउट बैटरी, जो बैटरी उसमें नहीं है चार्ज, वो आप डाल के फुल बैटरी लेके आप जा सकते हो। तो ये एक नया कॉन्सेप्ट है इंडिया में। ऐसे तो वर्ल्ड वाइड बहुत फेमस है, ताइवान में गोगोरो नाम करके कंपनी है जो वर्ल्ड वाइड बहुत फेमस है। इवन अभी होंडा भी वो कॉन्सेप्ट पे आ रहा है। तो अभी फ्यूचर देखा जाए इलेक्ट्रिक स्कूटर का तो वो स्वैपिंग नेटवर्क है, और बाउंस जो है इंडिया का फर्स्ट ब्रांड है जो स्वैपिंग नेटवर्क के साथ आ रहा है। तो ये बैंगलोर बेस्ड है, इनका 2 जगह प्लांट है, एक भिवाड़ी राजस्थान में है और दूसरा अभी बैंगलोर में अंडर कंस्ट्रक्शन है, वो भी लाइव हो जाएगा 2024 में। ये ब्रांड हो गया हम लोगों का। बैटरी को स्वैप करना है तो इसके लिए तो जगह जगह पे पॉइंट देना पड़ेगा। देखिए, बाउंस इन्फिनिटी का हिंदुस्तान पेट्रोलियम और भारत पेट्रोलियम के साथ टाई अप हुआ है, ठीक है, वो गवर्नमेंट टाई अप है। हर पेट्रोल स्टेशन में इनका स्वैपिंग इंफ्रा आपको दिखेगा। अच्छा अच्छा। हाँ, तो आप जैसे भारत पेट्रोलियम जाते हो अपना पेट्रोल जो है वहाँ पे भरवाते हो, उसी तरह आप जाओगे वहाँ पे अपना बैटरी स्वैप करके निकल जाओगे। और बेसिकली ये इतना स्मूथ स्वैपिंग है कि आप जनरल स्टोर, जो किराना स्टोर होता है, उसके भी बाहर आपको मिल जाएगा, शोरूम के बाहर मिल जाएगा। नॉनो बैटरी का स्वैपिंग स्टेशन होता है, आप कहीं भी रख के इसको, मतलब बैटरी चार्ज करने का टेंशन खत्म। ये इंडिया का सबसे पहला ब्रांड है जो आपको विद इन 1 मिनट में फुल बैटरी देती है। क्या बात है। और अभी कंपनी ने दोनों पे काम किया है। इनका जो है अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है इंडिया फास्टेस्ट चार्जिंग इलेक्ट्रिक स्कूटर। 0 to 80% जो है वो 40 मिनट्स में चार्ज होगा और जो फुल चार्ज है वो 60 मिनट में चार्ज होगा। अभी तक इंडिया में ऐसा कोई भी ब्रांड नहीं है जो विद इन 1 आवर में आपको फुल बैटरी चार्ज करके दे, और रेंज भी आपको जो है राइट फ्रॉम 85 किलोमीटर टिल 170 किलोमीटर तक का। तो सर, बाउंस इन्फिनिटी का जो स्कूटर है, कौन कौन सा मॉडल लेके आया है ये मार्केट में? देखिए, इनके पास 2 मॉडल है, 6 वेरियंट है टोटल। अभी 6 वेरिएंट लॉन्च नहीं हुआ है, 2 वेरिएंट लॉन्च हुआ है। ये हमारा E1 Plus है, आप इधर आके देख सकते हो, ये ब्रांडिंग भी की हुआ है E1 Plus का।
इवन प्लस है। हाँ, और एक जो है वो हमारा इवन है। इवन है, हाँ, वो पहले लॉन्च हुआ था और अभी ये रिसेंटली लॉन्च है जो इवन प्लस है। कलर कौन कौन सा आ रहा है इसमें? कलर इसमें देखिए, आपको ऐसे तो 8 to 10 कलर ऑप्शन है। व्हाइट मिल जाता है आपको, रेड मिल जाता है आपको, ब्लू मिल जाता है, ब्लैक है, ग्रे है, सिल्वर भी मिलता है आपको, येलो मिलता है आपको, कूल ब्लू भी मिल जाएगा। तो टोटल 8 कलर्स हैं अभी ब्रांड के पास। 8 तो कलर अभी मिल रिसेंटली हम लोगों के पास टोटल 5 कलर्स। और आपके पास इन्फिनिटी का इवन प्लस है। हाँ, ये मॉडल अवेलेबल, ये मॉडल अवेलेबल है। इसका मैं फीचर्स ब्रीफ कर देता हूँ। हाँ, कि अगर हम लोग फ्रंट पार्ट में देखें तो इसमें जो है आपको 12 इंच का ट्यूबलेस टायर लगा हुआ है, जिसमें आपको जो है डिस्क ब्रेक मिल जाता है विद कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम। कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम मतलब ये होता है कि अगर आप पहला भी ब्रेक मारते हो, हाँ, फ्रंट या रेयर मारते हो, तो वो बैलेंस करके स्कूटर को रोकता है ताकि कुछ एक्सीडेंट ना हो। इसमें आपको दोनों साइड रिफ्लेक्टर मिल जाता है। ये मड फेंडर काफी स्ट्रांग है, फाइबर क्वालिटी पेट्रोल की तरह दिया हुआ है। यहाँ पे आपको डुअल इंडिकेटर मिल जाता है जो कि बॉडी फिटेड है, और ये नंबर प्लेट रजिस्ट्रेशन है। बाकी फ्रंट से आप लोग, सर ये गाड़ी तो हाई स्पीड वाली है ना? हाँ, ये हाई स्पीड है। इसका टॉप स्पीड आपको 65 किलोमीटर। इसके लिए रजिस्ट्रेशन तो करवाना बिल्कुल जरूरी है, मैंडेटरी है। रजिस्ट्रेशन, इंश्योरेंस, आप जितना भी आरटीओ का रूल्स है इसमें सारा फॉलो होगा। लाइसेंस भी चाहिए? बिल्कुल, लाइसेंस के बिना आप चला नहीं सकते इसमें, हेलमेट भी मैंडेटरी है। इसके बाद अगर हम लोग इधर आते हैं, हम लोगों के पास जो फीचर्स है वो गाड़ी में 3 मोड दिया हुआ है, इको है, टर्बो है एंड पावर मोड है। इससे आप जो है स्पीड अपना जो है स्लो कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। ये हाजार्ड बटन दिया हुआ है, आप इनकेस कहीं कोई प्रॉब्लम में फंसते हैं तो हाजार्ड फॉग वगैरह के लिए यूज कर सकते हैं। फॉग वगैरह के यूज कर सकते हैं। रिवर्स बटन भी दिया हुआ है, आप गाड़ी पीछे भी ले जा सकते हैं। एंड इसमें एक फीचर्स है क्रूज कंट्रोल। क्रूज कंट्रोल? हाँ, क्रूज कंट्रोल नॉर्मली कार में होता है, एक सर्टेन स्पीड पे आप लॉक करके उसको चला सकते हैं। लेट सपोज आपका कोई कॉल आ जाता है, आपको राइट हैंड यूज करना हो, तो आप वो क्रूज कंट्रोल में 10 के स्पीड में आप लॉक करके और फिर जो है फोन पे बात करके अपना फिर जो है क्रूज कंट्रोल रिमूव करके जा सकते हो। तो ये फीचर से इसमें और भी फीचर से हील होल्ड असिस्ट दिया हुआ है। इसमें क्या होता है कि नॉर्मली हम लोग हिली एरिया में जाते हैं, घाटी वगैरह में, तो अगर वहाँ पे ट्रैफिक या कुछ भी मेरे को गाड़ी रोकना होता है तो हमें ब्रेक लेकर रोकना होता है। अगर आप ब्रेक नहीं लेते हो तो आपका गाड़ी पीछे चला जाएगा। इसमें एक फीचर है कि हील होल्ड असिस्ट है। आप एक बार वो ब्रेक दबा दोगे और रिमूव छोड़ दोगे ब्रेक को, तो गाड़ी ऑटोमेटिक वहीं पे खड़ा रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा, वो हिलेगा नहीं। इसका जो कंसोल, इसमें नेविगेशन सिस्टम वगैरह दिया है? इसमें देखिए, इसमें मोबाइल एप्लीकेशन सपोर्टेड है। आपको जियो फेंसिंग मिल जाएगा मोबाइल एप्लीकेशन में, ट्रैकिंग मिल जाएगा। आप जो है मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू देख सकते हैं कि आपका स्कूटर कितने किलोमीटर चला है, कहाँ पे है। लेट सपोज आप किसी को स्कूटर दे दिए हो, आपको आइडिया नहीं है कि कहाँ गया है बंदा, कितना किलोमीटर चला है, कितने स्पीड में चला है, वो भी आप अपने मोबाइल में ट्रैक कर सकते हो कि मेरा गाड़ी 50 के स्पीड में चला है, 50 किलोमीटर चला है, तो सारा ट्रैकिंग है। इवन इसमें बैटरी में आपको जीपीएस लगा हुआ है। जीपीएस लगा हुआ? हाँ, तो बैटरी आपका कोई चोरी नहीं कर सकता। अगर कोई चोरी कर लेता है तो वो आप तुरंत उसको कैच कर सकते हो। मोबाइल में ब्लूटूथ कनेक्टिविटी तो वो कॉमन हो गया अभी। कॉमन हो गया, हाँ, मोस्टली ब्रांड्स दे रहे हैं। बैटरी इसका 38 AH का है, 50 AH का है, अभी दो वेरियंट है तो दोनों में दो वेरियंट है। बाकी इसमें हम लोग डुअल बैटरी सिस्टम भी है, डुअल बैटरी ऑप्शन भी देते हैं हम लोग। सिंगल बैटरी में 85 to 90 किलोमीटर चलता है, डुअल बैटरी में वो रेंज जस्ट डबल हो जाता है, तो वो अप्रोक्स 170 किलोमीटर ARI रेंज हो जाता है। तो ऐसे बात करें तो बैटरी की कितने दिन की वारंटी दे रहे हैं आप? बैटरी देखिए, हम लोगों के ब्रांड में 5 years का वारंटी है अभी, कंप्लीट 5 years का, और स्कूटर में 3 years का है। स्कूटर में 3 years? हाँ, मोटर आपका हो गया, कंट्रोलर हो गया, और भी जो मेजर कंपोनेंट्स है उसमें 3 years का है। अपार्ट फ्रॉम मेजर कंपोनेंट्स, बैटरी जो है इसका हाफ ऑफ द कॉस्ट होता है इलेक्ट्रिक स्कूटर का, उसमें आपको 5 years का मिल रहा है। आप बैटरी में एक चीज यहाँ आप अपने व्यूअर्स को दिखा भी सकते हो कि यहाँ पे ये सिम कार्ड लगा हुआ है। अच्छा, जिससे आप बैटरी ट्रैक कर सकते हो सारा कुछ। इसका आप हेल्थ वगैरह जितना है, बैटरी कैसे परफॉर्म कर रहा है, सारा कुछ आप मोबाइल पे देख सकते हो। ये चार्जर है इसका, काफी स्ट्रॉन्ग चार्जर है। अदर ब्रांड्स में बस ओला और एथर यूज करते हैं। अच्छा, हाई स्पीड चार्जर है? हाई स्पीड चार्जर है। तो ये सर घर वाले सॉकेट में लग जाएगा? बिल्कुल, ये 5 एम्पीयर से लेकर 15 एम्पीयर तक में लग जाएगा। तो घर में तो 5 एम्पीयर का अवेलेबल होता ही? बिल्कुल बिल्कुल, आसानी से आप मोबाइल चार्ज करते हो वहाँ से इसको भी चार्ज कर सकते हो। सर बात करते हैं गाड़ी का, तो गाड़ी का इसका जो मोटर है कितने वाट का लगा हुआ है? देखिए, मोटर जो है वो पीक पावर 2.2 किलोवाट का है। देखा जाए तो जो टॉर्क दिया हुआ गाड़ी में वो 85 न्यूटन मीटर का है। और ब्रांड कौन सा लगा हुआ है मोटर का? ब्रांड जो है बॉस कंपनी का है। बॉस कंपनी का है, वो काफी फेमस ब्रांड है, इंडियन ब्रांड है। हाँ, बहुत अच्छी और बहुत अच्छा, काफी रिलायबल ब्रांड है। इधर आप देख सकते हो, इसमें भी आपको जो है डिस्क ब्रेक लगा हुआ है, आगे पीछे दोनों डिस्क ब्रेक। ये काफी स्टाइलिश पिनियन फुटरेस्ट दिया हुआ है, आप इसको जैसे ही प्रेस करते हो ये ऑटोमेटिक निकल जाएगा, एंड देन इसको आप हल्का सा प्रेस करोगे ये जाकर वहां पे ऐड हो जाएगा। तो सर ये सिंगल बैटरी और डबल बैटरी की जो बात हो रही है,
तो गाड़ी का टोटल वेट कितना हो जाता होगा, कितना ये लोड लेके जा सकता है? देखिए सिंगल बैटरी में गाड़ी का जो कर्व वेट है 100 केजी का है, ठीक है, और ये लोडिंग कैपेसिटी जो ऑफिशियल है वो 250 किलो का है। 250 किलो, 250 दो बंदा तो जो चलता है, तीन बंदे भी, बट वो अलाउड नहीं है, अलाउड नहीं है जो है ट्रैफिक रूल्स, किसी तरह कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बिल्कुल। और जो इलेक्ट्रिक स्कूटर में बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इसको धोना नहीं है, पानी अगर रोड पे जम गया तो जाएंगे तो कुछ प्रॉब्लम, ऐसा कुछ होने वाला है? देखिए इसमें क्या है ना कि आपका मोटर जो है वो IP67 रेटिंग है। हाँ ठीक है, ये कम्प्लीटली वाटर प्रूफ है, आप पानी में भी चलाओगे कुछ नहीं होगा। इवन स्कूटर अगर आपका हाफ भी चला जाएगा पानी में, हाँ हाँ, तो भी कुछ नहीं होगा। बहुत सारे टेस्टेड वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब में डाला हुआ है, अगर किसी कस्टमर को डाउट हो ऐसा कुछ कि मोटर में पानी चला जाएगा तो वो काम नहीं करेगा, तो वो जाकर वहाँ देख सकता है। हम लोगों का IP67 रेटिंग है, वो ऐसे नहीं मिलता है अंटिल अनलेस जब तक आपका जो है प्रॉपर वाटर प्रूफ ना हो। बैटरी में भी आपका हम लोगों का सर्टिफाइड है IP67, और जो फेम 2 रेगुलेशन है इंडिया का DHI के द्वारा जो रेगुलेशन, वो सारा जो है इसमें इम्प्लीमेंटेशन किया गया है। अब बात करते हैं सर्विस का सर, गाड़ी परचेस करके कोई बंदा लेके जाता है तो उसको सर्विस के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? देखिए सर्विस के लिए जो है आपके मोबाइल एप्लीकेशन में जैसे ही आप परचेज करते हो गाड़ी, आपको 34 नंबर मिलता है। हाँ? आप 34 नंबर के थ्रू अपने मोबाइल एप्लीकेशन में आप लॉगिन कर लेते हो, वहाँ पे डिटेल सारा कुछ आ जाएगा। 3 सर्विस फ्री देती है ब्रांड, तो आपको जो है मतलब 5 साल में 3 ही सर्विस फ्री मिलेगा उसको? नहीं, 3 सर्विस फ्री है, बाकी पेड सर्विस। अच्छा, पेड सर्विस। तो इसमें क्या होता है, जैसे आपके मोबाइल में ही नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपका सर्विस का टाइम ये हो गया है। अपार्ट फ्रॉम दिस, ब्रांड से भी आपको फॉलो अप किया जाएगा बाउंस इन्फिनिटी के साइड से कि सर्विस आपका पेंडिंग है, ड्यू है, आप जाके सर्विस करा लो, और हमारे डीलर पॉइंट से भी जाएगा। ये जो बैटरी स्वैप करने वाला जो बता रहे हैं आप, तो अभी रांची में कहां कहां पे स्वैप कर सकता है? देखिए अभी रांची में स्वैपिंग आया नहीं है क्योंकि रांची में ये पहला शोरूम है बाउंस इन्फिनिटी का, तो बेसिकली अभी जो है विद इन 1 ईयर में ये सारा स्वैपिंग नेटवर्क लग जाएगा। अभी बेसिकली बैंगलोर, दिल्ली, मुंबई मेट्रोपॉलिटन सिटीज में है। ओके सर, बात करते हैं इस गाड़ी की, तो गाड़ी तो बहुत ही, जैसा फीचर्स आपने बताया, बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स है इसमें, तो सर इसका प्राइस क्या आने वाला है सिंगल बैटरी और डबल बैटरी में? देखिए प्राइस इसका 1,12,000 एक शोरूम है, हाँ, बट अभी कंपनी ऑफर निकाली हुई है तो ये 99,999 एक शोरूम में ये अवेलेबल रहता है सिंगल बैटरी के साथ। सिंगल बैटरी, डबल बैटरी के साथ? डबल बैटरी के साथ ये बैटरी का कॉस्ट ऐड हो जाता है, वो अप्रॉक्स आपका 45,000 रुपीज है, बाकी एज इट इज सेम रहेगा जो इसका प्राइस है, बस उसमें ऐड हो जाएगा एक बैटरी। और फाइनेंस वगैरह का क्या सिस्टम है? फाइनेंस, देखिए फाइनेंस ऑलमोस्ट हम लोगों का सारे ब्रांड से टाइप है, ICICI बैंक है, HDFC बैंक है, कोटक बैंक है, श्रीराम फाइनेंस है, बजाज है, और भी कुछ NBFCs है। तो मिनिमम डाउन पेमेंट? मिनिमम डाउन पेमेंट आपका 20,000 रुपीज है, 20,000 देकर आप स्कूटर ले जा सकते हैं। स्कूटर लेके जा सकते हैं अप टू 5 ईयर्स के लिए तक हमारे पास ऑप्शन है, 5 साल के लिए, 5 साल तक का है, 3 साल स्कूटर का वारंटी है और 5 साल तक का बैटरी का वारंटी है। बैटरी का रिप्लेसमेंट वारंटी है? देखिए रिप्लेसमेंट बैटरी में, ऐसा हम लोगों का बैटरी और कंट्रोलर है ना, वो सारा सॉफ्टवेयर से, मतलब जो है उसका कुछ भी लूप आता है बैटरी और कंट्रोलर वगैरह में, तो वो सॉफ्टवेयर से ठीक हो जाता है। तो रिप्लेसमेंट में इन केस अभी एज सच तो कोई प्रॉब्लम आता नहीं है बैटरी और मोटर में, इन केस अगर आता है तो सेम डे में हम लोग रिप्लेस करके दे देते हैं, हम लोग के पास एक्स्ट्रा रहता है, आपको वो सेम डे रिप्लेस हो जाता है। जैसे बहुत सारी ई स्कूटर मार्केट में आ चुका है, तो आपको सर इसमें कौन सा ऐसा फीचर्स है जो अलग लगा हो और दूसरे में नहीं हो? देखिए ये मैंने आपको पहले भी बताया था, ये इंडिया का फर्स्ट पायनियर कंपनी है जो स्वैपिंग नेटवर्क में है, अभी तक कोई भी ब्रांड स्वैपिंग नेटवर्क में नहीं है। स्वैपिंग में तो नहीं है, कोई भी नहीं है? कोई भी नहीं है। इवन आप देखो कि कुछ कुछ ब्रांड्स हैं जिसने बाउंस इन्फिनिटी से टाइप कर रखा है कि स्वैपिंग इंफ्रा यूज करने के लिए, तो वो मैं ब्रांड का नाम नहीं लूंगा। और वो भी आप जितना इजी बता रहे हैं, कहीं भी जैसे पेट्रोल पंप हो गया, इंडियन ऑयल हो गया, भारत पेट्रोलियम हो गया, अगर ये सिस्टम चालू हो जाए तो बहुत ही आसान हो जाएगा। बहुत ही आसान हो जाएगा, आप जितने टाइम में पेट्रोल भराते हो उतने टाइम में आप इसको बैटरी को चार्ज करके फुल चार्ज, बैटरी को स्वैप करना है, लेके चल जाना, लेके चला जाना है। पैन इंडिया में हो जाएगा ना इसके साथ जब बिल्कुल मर्ज होगा तो? बिल्कुल बिल्कुल, कंपनी पैन इंडिया प्लान कर रही है, अभी तो बताया मेट्रोपॉलिटन में है, लेकिन धीरे धीरे कंपनी इसको पैन इंडिया में लाएगी। तो पूरा इलेक्ट्रिक स्कूटर लेके हम लोग कहीं भी जा सकते हैं? बिल्कुल, आप कहीं भी जा सकते हो। फिर वो जो एक हर्डल है ना, हाँ, लोगों के दिमाग में चार्ज करने वाला ब्लॉकेज है कि यार 4 घंटे 5 घंटे, इवन आप कुछ ब्रांड्स में जिनके बैटरी पैक बहुत बड़े बड़े, उनको 8 घंटा 7 घंटा लगता है करने में, वो ब्लॉकेज हटा रही है ये कंपनी। तो ये एक इसका USP हो गया, इनका जो मेजर फीचर्स है बाउंस इन्फिनिटी। अपार्ट फ्रॉम दिस आपको हील असिस्ट मिल जाता है कि हिली एरिया में आपको डरने का जरूरत नहीं है, पीछे नहीं जाएगा,
जाएगा। आप अगर ब्रेक दबाकर छोड़ भी देते हो तो आपका गाड़ी कॉन्स्टेंट रह जाएगा। इसमें सर बात करते हैं, इसमें टायर कौन सी कंपनी का यूज किया गया है और डिस्क ब्रेक कौन सी कंपनी का यूज किया गया है, थोड़ा इसके बारे में बताइए। देखिए मैक्सिमम जो इसमें स्पेयर लगा हुआ है, पार्ट्स जो लगा हुआ है ना, वो बाउंस का इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग, मतलब खुद का मैन्युफैक्चरिंग है कंपनी का, बाहर से मतलब कुछ भी, बाहर से कुछ भी नहीं आता, कुछ भी नहीं आता है। वो बॉस कंपनी बस मोटर बना रही है, बाकी फाइबर वगैरह सारा इन हाउस इनका है। फोर व्हीलर का जो पार्ट्स वगैरह बनाते हैं वही बॉस ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इवन हम लोगों के शोरूम के पीछे भी सर्विस सेंटर बॉस, तो वो मिल जाएगी। सर बाउंस इन्फिनिटी का शोरूम खुला कहाँ पे, थोड़ा एड्रेस बताइए। ये देखिए रांची में बाउंस इन्फिनिटी का जो शोरूम है वो ओल्ड हजारीबाग रोड ऑपोजिट डॉन बॉस्को स्कूल गेट पोरा टोली कोकर में खुला हुआ है। इसका लैंडमार्क जो है वो डॉन बॉस्को स्कूल के ऑपोजिट में है, और अगर वो भी आपको नहीं दिखता है तो यहाँ पे रॉयल ऑक का इंटरनेशनल फर्नीचर शोरूम है, उसके जस्ट बिहाइंड में। फोन नंबर है, आप कॉल कर सकते हो सर्विस के लिए, सेल्स के लिए, 7979991942। कम से कम डाउन पेमेंट में आप गाड़ी लेके जा सकते हो, और ज्यादा जानकारी के लिए सर के नंबर पे फोन कीजिए। और शोरूम तो ओपन हो ही चुका है। सर ने बाउंस इन्फिनिटी इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में बहुत सारी जानकारी दी है, तो सर से एक बार जान लेते हैं कि सर शोरूम खुलने का टाइमिंग थोड़ा बता दीजिए। देखिए शोरूम खुलने का टाइमिंग जो है वो हमारा 9:30 AM है सुबह में, और जो क्लोज होता है वो 7:30 में होता है, और बेसिकली हम 7 days भी जो है ओपन रखते हैं शोरूम को, किसी दिन बंद नहीं होगा, किसी दिन बंद नहीं रहता। और सर मैं कह रहा था कि अगर किसी को फिनांस करवाना है तो उसको क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके आना पड़ेगा? देखिए डॉक्यूमेंट्स में लेकर आना है आपको KYC डॉक्यूमेंट्स है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक है, बैंक पासबुक का आपको फ्रंट का जो स्कैन करके देना पड़ता है वो नॉर्मली हम ही लोग करते हैं, एक पासपोर्ट साइज फोटो लगता है, दैट्स इट। ज्यादा ज्यादा एक बार फिर से फोन नंबर, फोन नंबर है 8920856701। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच। इस वीडियो को यहीं पे खत्म करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और कमेंट करके बताइएगा ये वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं फिर आपसे एक नई वीडियो में, एक नई जानकारी के साथ, एक नए शोरूम में। तब तक आप खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।